शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहेंगे। गांधी मैदान में बनाए गए प्रशासनिक भवन में संवाददाता सम्मेलन के दौरान शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान राज्य भर के 5,000 बच्चे इसमें भाग लेंगे। और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं आप 5 अलग अलग जगह की तस्वीरें, जहां पर औरंगाबाद, भोजपुर, पटना, समस्तीपुर और छपरा की ये तस्वीरें, जहां पर बिहार दिवस को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आपको बताएं कि इस 22 से 24 मार्च तक गांधी मैदान के अलावा कृष्ण मेमोरियल हॉल और रविंद्र भवन में कार्यक्रम होंगे। वहीं बिहार के अलग अलग जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद में दौड़ का आयोजन किया गया था, वहीं भोजपुर में भी बच्चे दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, पटना में भी स्कूली बच्चे कार्यक्रम के दौरान, समस्तीपुर, छपरा, जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बच्चे, बुजुर्ग सभी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नज़र आए। और आपको बताएं, इस बार के बिहार दिवस का थीम है चंपारण सत्याग्रह। के बिहार के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बातें पहले कही जाती थी, लेकिन आप सब मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद और उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारी योजनाएं चलाई, और आज हम कह सकते हैं तो बिहार के बारे में जो पहले धारणा थी वो उसमें काफी बदलाव आया है। एक जो महत्वपूर्ण विभाग है जो अपने विकास कार्य 7 निश्चय का हो, यानी जो सेवा क्षेत्र में काम कर रहा विभाग है, उन सभी विभागों का स्टॉल लगा हुआ है। अपने कार्यों के बारे में जो नियम है, जो प्रक्रिया है, जो उनके द्वारा जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के संबंध में बिहार वासियों के लिए अत्यंत गौरव और अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है, प्रश्न है। हम सभी को बिहार के चतुर्दिक विकास के लिए प्रयत्न करते रहना है। बिहार का गौरवशाली इतिहास पूरे देश दुनिया को हमेशा प्रेरणा देता रहा है, अभी की हमारी पीढ़ी इसका और संवर्धन करेगी। 22 मार्च को बिहार दिवस हम लोग लगातार मनाते चले आ रहे हैं, पूरे बिहार के सभी जिलों में और पटना में विशेष रूप से राज्य स्तरीय बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं पूरे जिले के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बिहार को उन्नति के शिखर पर देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे काम। हम प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है बिहार दिवस को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। हमने नहीं देखा है, हमारे जो स्टाफ है उन लोगों ने नहीं बताया है कि आज बिहार दिवस के लिए बुलाने की बात है। अब बावजूद उसके बिहार दिवस के बारे में शुभकामना हमने दिया, मनाया जाता है, ठीक है, ना बुलावें वो अलग बात है, लेकिन ये मनाया जा रहा है, इसके बारे में हमको बहुत कुछ नहीं करना है। करना है कि चलिए परंपरा कायम हुई वो ठीक है। तब फिर हम चीफ मिनिस्टर से भी बात करने की बात किया, इसे सबसे बात किया कि हम आपको लिख के दिया है, आपने परमिशन दिया अभी तक नहीं, तो कोई लोग कहा कि हमको मिला नहीं है, कोई कहा कि बंद का दिन है, सरहुल है, उस दिन जेल मैनुअल के अनुसार किसी को नहीं मिलने देना चाहिए। इस पर बल्कि हम थोड़ा सा कड़ा शब्द भी बोले कि किसी और जीतन मांझी में फर्क आप लोग नहीं समझते हैं। बावजूद उसके नहीं हुआ तो हम चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर से भी बात करना चाहा, चीफ मिनिस्टर से टेलीफोन आया कि हम 5 मिनट के बाद हम उनको रिंग बैक करेंगे, वो रिंग बैक नहीं हुआ, अल्टीमेटली हम लौट के चले आए। लेकिन सुपरिटेंडेंट जो थे रिम्स के चौधरी जी, उन्हीं के रूम से हम लालू जी से टेलीफोन पर बात कर लिया, उनसे पूछताछ कर लिया कैसे हैं, क्या हैं, और उसके बाद फिर हम। और जगह जगह पर बिहार दिवस की धूम देखने को मिल रही है, पूरे राज्य में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, जायजा लिया है हमारे संवाददाता गणेश सम्राट ने पटना से। बिहार दिवस की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब से कुछ देर बाद भारत के उपराष्ट्रपति आएंगे और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को लेके पटना के गांधी मैदान को विशेष तौर पे सजाया गया है और इस बार बिहार दिवस
2018 पर खासतौर पर चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो पिछले पूरे एक साल से चला, और आज के साथ ही चंपारण सत्याग्रह समारोह जो है वो समापन हो जाएगा। और पूरे बिहार दिवस कार्यक्रम को महात्मा गांधी के सपनों के थीम पर रखा गया है। चंपारण सत्याग्रह से जिस तरीके से गांधी जी ने अपनी शुरुआत की थी, उन तमाम दृश्यों को पटना के गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पे दर्शाया लगाया गया है। और जो तैयारी की गई है बिहार सरकार के कई विभागों द्वारा, उनकी अलग अलग झांकियां हैं, और उन तमाम झांकियों के बीच आम लोगों को संदेश देने की तैयारी की जा रही है। बहुत सारे लोग भी हैं बिहार दिवस में शामिल होने के लिए, पूरे बिहार से अलग अलग जगहों से आए हैं। अमूमन 5,000 स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। और बहुत सारे बच्चे, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर किस सोच के साथ आप लोग आए हैं, और बिहार दिवस को लेकर किस तरह आप लोग सोच रहे हैं, क्या क्या उद्देश्य है, और इससे कितनी बड़ी बिहार के लिए ये पहचान है, पूरे देश में बिहार की पहचान है। आपको बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर क्या महसूस कर रही हैं? जी, मैं बिहार दिवस की कार्यक्रम में होके, मतलब शामिल होके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा नज़ारा ले रही हूँ। कहाँ से आई आप? हम किशनगंज जिले डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? किशनगंज जिले डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, आपको कैसा लगा इस तरह इतना अच्छे प्रोग्राम में शामिल होके? बहुत अच्छा। बिल्कुल, एक मैम है, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर हम किस थीम के साथ बच्चों को इसमें शामिल कराया गया है। बच्चों को मेन क्या है कि यहाँ आए हैं वो अपने जो अंदर की भावना है उसको यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत सारे बच्चे आए हैं, जैसे हमारे 38 जिले से बच्चे आए हैं, और जैसे वॉलीबॉल हुआ, आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिशन हुआ, उसके बाद ड्राइंग हुआ, ये जी बहुत सारे प्रोग्राम है जो स्टेट लेवल से खेल के वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए हैं। बिल्कुल, बिहार दिवस में बच्चों की प्रतिभा को निखारने का पुरजोर तैयारी की गई है, पुरजोर व्यवस्था है। बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसकी खास तैयारी की है। हालांकि पूरे बिहार से बच्चे आए हैं, कई कार्यक्रम होने वाले हैं, 3 दिनों तक यह आयोजन चलेगा, जिसकी विधिवत शुरुआत आज से हो रही है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ गणेश सम्राट, सावधानी उच्च पटना। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सहयोगी गणेश सम्राट, पूरे बिहार दिवस को लेकर चर्चा करेंगे उनसे और बातचीत करेंगे। गणेश, आज से बिहार दिवस का आगाज हो रहा है, लेकिन एक जानने वाली बात यह है कि चंपारण सत्याग्रह ही क्यों रखा गया है थीम, गणेश इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, जब से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पे काबिज हुए, उस समय से लेके नीतीश कुमार हमेशा से महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए दिखते हैं, और वो बार बार हर मंच से यही कहते हैं कि गांधी जी के विचारों पे ही आगे बढ़ना चाहिए, और उसी में पूरे समाज की और पूरे देश की तरक्की हो सकती है। लिहाजा बिहार शताब्दी वर्ष मना रहा, महात्मा गांधी के जो कर्मभूमि चंपारण है उसके 100 साल पूरे हुए हैं, और ऐसे मौके पे 2017 से ही बिहार एक साल तक अपना चंपारण सत्याग्रह मना रहा। इसी मौके लेते हुए उस चंपारण सत्याग्रह के समापन को, मतलब बिहार दिवस के मौके पर उसका समापन किया जा रहा पूरे एक साल के कार्यक्रम का। अब इसे लेके जाहिर सी बात है कि समापन समारोह काफी भव्य तरीके से हो, खूबसूरत तरीके से हो, और बिहार दिवस के मौके पे जो लोग आ रहे हैं उनके सामने बिहार की जो छवि हो वो कम से कम बेहतर बन के दिखे, पूरे विश्व में बिहार की जो छवि है वो गौरवान्वित करने वाली छवि है, और साथ ही साथ अपने इतिहास को दोहराते हुए पुराने इतिहास में आज तक बिहार बनने के बाद जो इतिहास रहा उसे बिहार दिवस के मौके पे महात्मा गांधी के कर्म भूमि से जोड़ते हुए उस थीम पे तैयार किया गया है कि जो हमारे नए वर्ग के लोग हैं, जो यूथ हैं, वो आए तो महात्मा गांधी के कार्यों को जाने, महात्मा गांधी के संदेश को समझे। जाहिर सी बात है इस मैसेज के साथ ही बिहार दिवस की जो पूरी थीम रखी गई है वो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के एक साल का जो लंबा कार्यक्रम चल रहा उसके समापन के तौर पर रखा गया है। खुशबू जी, गणेश, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, कब तक पहुंचने के आसार लगाए जा रहे हैं उनके? देखिए, 3:30 का मुख्य कार्यक्रम है, और भारत के उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे, और सीधे तौर पे वो 2 घंटा तक पटना के गांधी मैदान में रहेंगे, मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसे लेके पटना के गांधी मैदान के पूर्वी छोर पे जो एंट्रेंस बनाया गया उससे लेके पूरे गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पे बिहार सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा कई तरह की जो झांकियां वो बनाई गई है, कई तरह के स्टॉल लगाए गए, और सभी जो स्टॉल के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि
बिहार की जो सम्मान है, बिहार की जो गौरव है, उसे दर्शाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पे बिहार की जो आकृतियां लगाई गई है, जिसमें बिहार से जो निकल के लोगों को सीख देते हुए, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह की बात करें या फिर नालंदा की बात करें या फिर बोधगया की बात करें, तमाम चीजों को पटना के गांधी मैदान में सवारने का काम किया गया है। यानी पूरा बिहार एक तरीके से है तो गांधी मैदान में 3 दिनों तक बसने वाला है, जिसकी आज विधिवत उद्घाटन और कार्यक्रम की शुरुआत भारत के उपराष्ट्रपति के हाथों होना है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने भी पूरी तरीके से पूरे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद 2011 और 12 के बाद से ही बिहार दिवस की जो थीम है बड़े पैमाने पर की जा रही है, और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में है और वो इस चीज को भुनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे कि जो लोग आए वो शताब्दी वर्ष के समापन को काफी यादगार क्षण में लेके जाए। हालांकि पिछले सालों की बात करें तो जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह साहब के शताब्दी वर्ष मनाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, वैसे ही इस बार की तैयारी की गई है कि एक एक क्षण को बिहार के गौरव के साथ इतिहास के तौर पर आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। खुशबू, गणेश, जिस प्रकार से कार्यक्रम कोई भी हो लेकिन उस पर राजनीति तो जरूर होती है, और जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो नाराजगी जताई है, उन्हें आमंत्रण नहीं मिला था, तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम चाहे बिहार दिवस हो या कोई भी हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि एक मौका मिल जाता है कुछ राजनीतिक नेताओं को, और एक बार फिर से वही होता हुआ नजर आया है। अब बिल्कुल खुशबू, जब सत्ता बदलती है तो जो अपने और पराए लोग हैं उनको एक देखने को मौका मिलता है। बिहार दिवस भी अब राजनीति से अछूता नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावे जरूर करते आए हैं कि बिहार दिवस सबके लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए, इसमें ना कोई आम है और ना ही खास है, लेकिन निमंत्रण की बात करें तो जिस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो पहले एनडीए के हिस्सा थे लेकिन अब वो महागठबंधन के हिस्से में है, उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया है, तो सवाल यहीं से शुरू हो गया है। अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि क्या राजनीतिक जो दुर्भावना से बाहर निकल के बिहार दिवस की सफलता में तमाम लोग एक मंच पे आ पाएंगे या नहीं। हालांकि फिलहाल होते या नहीं दिख रहा है। इसी तरह अगर बिहार में नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले, मुख्य विपक्षी दल राजद की बात कर ले, तो उन्हें भी पूरी तरीके से निमंत्रण नहीं मिलने की बात की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार के अस्मिता, बिहार के मान सम्मान के लिए क्या राजनीतिक छोड़ के सभी राजनीतिक दल एक साथ गांधी मैदान में दिखते हैं या नहीं। अगर वो नहीं दिखते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के जो स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला या बिहार दिवस कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था है जो आमंत्रण और जो लोगों को बुलाने का जो गेस्ट लिस्ट बनाई गई है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। हालांकि उम्मीद यह जताई जा रही है कि सभी लोग राजनीतिक भावना